बहुत दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश का सीजन तो आ गया था, पर अभी तक पहली बारिश नहीं हुई थी। पर आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली है। गट्टू और चिंकी बालकनी में बैठकर बेसब्री से बारिश और अपने दादा दादी के आने का इंतजार कर रहे थे। चिंकी, आज तो हम दादा दादी के साथ खूब मजे करेंगे, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, क्या पता आज बारिश भी हो जाए। हाँ गट्टू, बस दादा दादी जल्दी से आ जाए। तभी डोरबेल बजती है और दादा दादी आ जाते हैं। गट्टू चिंकी उनका बड़ा प्यार से वेलकम करते हैं और मम्मी सबको नाश्ता कराती है। बच्चों, इतना अच्छा मौसम है, चलो आज मैं तुम दोनों को कहीं घुमा ले आता हूँ। घूमने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी दोनों फट से तैयार हो जाते हैं। फिर दादा दादी और गट्टू चिंकी बारिश के मौसम का मजा लेने एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ते हैं। कार अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वाह दादाजी, अब तो ड्राइव में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। बच्चों, इस बारिश के मौसम में क्या तुम दोनों भुट्टा यानी कॉर्न खाना चाहोगे? वाह दादी, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात ही कह दी। हाँ दादी, हम जरूर खाएंगे टेस्टी टेस्टी भुट्टा। फिर गट्टू चिंकी और दादा दादी मिलकर चटपटा भुट्टा एंजॉय करते हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है ना चिंकी, तुम्हें याद है एक बार जब हम स्कूल से आ रहे थे और ऐसे ही तेज बारिश में फंस गए थे? हाँ गट्टू, भला वो कैसे भूल सकती हूँ मैं, उस दिन सच में बहुत तेज बारिश हुई थी, मेरी तो पूरी ड्रेस ही पानी और कीचड़ से गंदी हो गई थी। हाँ, और मुझे तो कितना जुकाम भी हो गया था। हाँ, इसीलिए तो मम्मी हमें बारिश में भीगने से मना करती है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, अभी तुम दोनों एकदम सेफ हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दादाजी कार को घर की तरफ ले जाने लगते हैं कि तभी गट्टू को दोबारा भूख लग जाती है। दादाजी, मुझे पेट से भूख लग रही है। गट्टू, तुम भी ना, तुम्हारा पेट क्या कभी नहीं भरता है? कोई बात नहीं गट्टू बेटा, तुम तो बढ़ते हुए बच्चे हो, तुम दोनों को खूब खाना पीना चाहिए। और वैसे भी इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खाना खाने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो दादाजी, अब आप हमें क्या खिलाएंगे? बच्चों, अब मैं तुम सबको चंदू के मशहूर भजिया खिलाऊंगा। वाह दादाजी, मुझे भजिया बहुत पसंद है। हाँ, भजिया तो मुझे भी बहुत पसंद है, और अगर साथ में हरी चटनी मिल जाए तब तो सच में मजा ही आ जाता है। अरे गट्टू, तुम तो एकदम बड़े लोगों जैसी बातें कर रहे हो। फिर दादाजी सबको लेकर चंदू के मशहूर भजिया खिलाने ले जाते हैं। भजिया खा के गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह दादाजी, ये भजिया तो सच में बहुत टेस्टी है। अब मैं समझा कि ये भजिया आखिर क्यों इतनी मशहूर है। बच्चों, ये भजिया मैं तब से खा रहा हूँ जब मैं जॉब करता था, और मैं अक्सर यहाँ आया करता था, तब यहाँ पे इनके पापा भजिया बेचा करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप दादाजी, ये भजिया की दुकान इतनी पुरानी है? और क्या बच्चों, ये दुकान तो बहुत पुरानी है। वाओ, जितनी पुरानी दुकान है उतना ही अच्छा टेस्ट है। फिर सब लोग मिलकर टेस्टी भजिया एंजॉय करते हैं और गट्टू थोड़ा भजिया मम्मी के लिए भी पैक करवाता है। तो दादाजी, क्या अब हम सब घर जा रहे हैं? अरे नहीं, मुझे तो इतना मजा आ रहा है, मुझे अभी घर नहीं जाना है। बच्चों, घर तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, पर घर जाने से पहले हम तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जाएंगे। वाह, स्पेशल जगह? कौन सी स्पेशल जगह दादी जी, बताइए ना। बच्चों, बारिश बस रुकने ही वाली है, और अब हम सब मिलकर एक सुंदर सा रेनबो देखने चल रहे हैं। हाँ बच्चों,
मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ से बारिश के बाद बहुत प्यारा रेनबो बनता है। ये सब सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दादाजी, उससे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कब आएगी वो जगह? बस बस चिंकी बेटा, थोड़ी देर और वेट कर लो, हम बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। फिर दादा दादी और गट्टू चिंकी उस स्पेशल जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से रेनबो दिखने वाला था। अब बारिश भी रुक चुकी थी, सब लोग एक्साइटमेंट से रेनबो के निकलने का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक बहुत सुंदर सा रेनबो आसमान में दिखाई दिया। वाओ, मैंने इतना सुंदर रेनबो आज तक नहीं देखा सच में। दादी जी, ये रेनबो तो सच में बहुत प्यारा है, हमारे घर से तो कभी इतना सुंदर रेनबो नहीं दिखता है। हाँ बच्चों, ये एक स्पेशल जगह है और पूरे शहर में यहाँ सबसे सुंदर रेनबो दिखता है। पता है बच्चों, अक्सर मैं और तुम्हारी दादी बारिश के बाद यहाँ ऐसे ही सुंदर रेनबो को देखने आते हैं। अब अगर तुम्हें भी ये पसंद आया है तो हम तुम्हें भी जरूर लाया करेंगे। हाँ दादाजी, आप हमें लेकर जरूर आना और साथ में गर्मा गर्म भजिया और भुट्टा भी लेकर आना। वाओ, कितना मजा आएगा ना। दादा दादी गट्टू और चिंकी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फिर सब लोग घर की तरफ चल देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।